students, we are starting with a new chapter of maths today, that is arithmetic progression. A very simple chapter, a very easy chapter to understand, very minimal formulas, fine. Easy sa chapter hai, weightage exam mein bhi achha khasa hota hai, so make sure you understand it carefully. Not just that, you have this chapter once again in your class 11th and 12th. ठीक है, सो उस पर्सपेक्टिव से ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट ईयर यू विल हैव अ चैप्टर कॉल्ड एज सीक्वेंस एंड सीरीज इन मैथ्स. सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका फर्स्ट पार्ट विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी एंड द सेकेंड पार्ट विल बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस जीपी. ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस अ लिटिल बिट ऑफ एडवांस वर्जन ऑफ इट. सो मेक श्योर कि तुम अभी इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, तो अभी भी काम में आएगा, आगे भी काम में आएगा. ठीक है, लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सीक्वेंस. सीक्वेंस या फिर सीरीज, यस. सपोज आई टेल यू 2, 4, 6, 8 फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस. कुछ नंबर्स है सीक्वेंस में दिया है, बोला है फाइंड द नेक्स्ट नंबर, है ना. बहुत इजी, सबने बोल दिया रहेगा 10, वेरी गुड, एकदम सिंपल. लेट्स से आई गिव यू वन मोर नंबर, यस 1, 3, 5, 7 बताओ जल्दी से. वेरी गुड, सबने बोला रहेगा 9. ठीक है, एक और सीक्वेंस लिखता हूं मैं. फाइंड द मिसिंग नंबर 1, 4, 9, 16, 25 blank. Come on, जल्दी फटाक से. 36, हाँ कि नहीं. ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे obviously. Yes or no? So these are all sequences. एक और बताओ. Find the missing number 0, 3, 8, 15. Come on guys, बताओ जल्दी. यहाँ पे आना चाहिए 24. कैसे? ये देख, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये है 2 का स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये है 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये है 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ क्या आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, है ना. तो बेसिकली देर इज सम पैटर्न इन एवरी सीक्वेंस. एक सीरीज दे दिया, एक सीक्वेंस दे दिया, बोला फाइंड द नेक्स्ट नंबर, यस. तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, बट लुक हियर, हर एक में लॉजिक अलग है. यहां पे क्या लॉजिक है? इवन नंबर्स, या फिर आई कैन से +2, +2, है ना, +2, +2. यहां पे भी क्या लॉजिक है? +2, +2, +2, +2, यस. यहां पे वो लॉजिक नहीं है, है ना. यहाँ पे सेम नंबर ऐड कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं. देखो तो यहाँ पे कितना ऐड किया, 3, यहाँ पे ऐड किया 5, यहाँ पे ऐड किया 7, यहाँ पे ऐड किया 9. तो ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कि 3, 5, 7, 9 ऐड करते जा रहे, तो यहाँ पे 11 ऐड होगा ऑफकोर्स. यस ऑर नो? करेक्ट, बट लॉजिक कॉमन नहीं है, सब में कुछ अलग लॉजिक लग रहा है ना. नाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी शॉर्ट फॉर्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी, एक ऐसा सीक्वेंस है या एक ऐसा सीरीज है इन विच द लॉजिक इज फिक्स्ड. द लॉजिक इज फिक्स्ड. फिक्स्ड है लॉजिक, हमको सोचना नहीं है, यस. एंड व्हाट द लॉजिक इज, द लॉजिक सेज द डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms is same always, है ना. consecutive मतलब आजू बाजू वाले terms. ठीक है, for example let's say the sequence is a1 a2 a3 a4 a5 ... up to an. ठीक है, देन a2 - a1, ये देखो इन दोनों का डिफरेंस, यस, लेट्स से d है. देन a3 - a2,
a3 माइनस a2 भी d ही होगा, a4 माइनस a3 इज ऑल्सो d, a5 माइनस a4 इज ऑल्सो d, यस। उल्टा करना है, 2 माइनस 1 बड़े से छोटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, टर्म फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड टर्म एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड एज nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस में आने वाला nth टर्म, करेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल बताओ क्या ये एपी में है, एक सीक्वेंस देता हूं, पूछ रहे कि वेदर इट इज इन एपी, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है इनफाइनाइट सीक्वेंस, बताओ वेदर इट इज इन एपी, 4 माइनस 2, 2, 6 माइनस 4, 2, 2, 2, यस और नो, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यस। That means ये जो difference between the consecutive terms है d, this d is called as common difference, है ना। देखो यार अभी जैसे हमने ऊपर sequences लिखे थे, इसमें हर जगह अलग से दिमाग लगाना पड़ रहा है कि यार क्या logic है, यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है तुमको, क्या logic है, here you don't have to use any logic, यहाँ पे सीधा सीधा तुमको क्या करना है, d ऐड करना है नेक्स्ट टर्म में, तो पता है कि लॉजिक क्या है, राइट right? तो एपी वो है जिसके कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। फॉर एग्जांपल आई गिव यू अ क्वेश्चन, देखो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। चलो एक नंबर का लिस्ट देता हूं, 4, 10, 16, 22 ... क्या ये एपी है सबसे पहले, और मैं यहां पे और भी कुछ चीजें दे रहा हूं, इफ इट इज एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, यस राइट द कॉमन डिफरेंस डी एंड ऑल्सो राइट द फर्स्ट टर्म दैट इज ए, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है, जैसे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, तो ए से डिनोट किया जाता है, राइट right? तो देखो ये हो गया मेरा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर डॉट डॉट डॉट, सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए, यहां देखो 10 माइनस 4 कितना होता है 6, 16 माइनस 10 कितना होता है 6, 22 माइनस 16 कितना होता है 6, सबका डिफरेंस सेम आया, देयरफोर ये जो चीज दिया हुआ है इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाई, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 6, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आजू बाजू वाले टर्म्स का डिफरेंस 6 है, सेम है 6, और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे a1, a1 फर्स्ट टर्म होता है 4, a इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 4, यस yes? अच्छा चलो दूसरा देखो, एक सीक्वेंस देता हूं वेदर इट इज एन ए बी बताओ, 1 -1 -3 -5 डॉट 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 डॉट, बताओ क्या ये सीक्वेंस एपी में है, सीक्वेंस तो है, तुमको सिर्फ ये चेक करना है पूरे चैप्टर भर में कि क्या ये एपी बनता है, यस yes? तो दिस माइनस दिस कितना होगा -1 -1 = -2, a2 - a1 = -2, व्हाट इज दिस a3 - a2 कितना है देखो -3 - -1 which is -3 + 1 - 2, very good, इसका difference देखो a4 - a3 = -5 - -3 - 5 + 3 - 2, तो ये भी माइनस टू ये भी माइनस टू ये भी माइनस टू, therefore it is also an AP, common difference कितना है बताओ -2, see this is the difference, common difference, कॉमन मतलब सेम डिफरेंस सबके बीच का, करेक्ट, और फर्स्ट टर्म क्या है बताओ, फर्स्ट टर्म ए 1, द फर्स्ट टर्म इज 1 पहला टर्म, समझ में आ रहा है एपी क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जिसके कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। अच्छा ये बताओ
-2, -2, -2, -2. अगर मैं तुमको बोलता कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर, तो तुमको पता है नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फाइन। बट पहले देखो एपी है क्या, इनका डिफरेंस 2 -2 कितना होता है 4। इसका डिफरेंस देखो -2 -2 -4, यहां 4 आ गया, यहां -4 आया, सीधा सीधा नॉट एन एपी, एपी नहीं है ये, क्योंकि डिफरेंस सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यस, अच्छा ये देखो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ... चेक वेदर इट इज एन एपी। देखो ये डिफरेंस कितना है 0, ये डिफरेंस कितना है 0, ये डिफरेंस कितना है 1, 2 -1 = 1, यहां 0 यहां 1, नॉट एन एपी, खत्म, दी एंड। समझ में आया? तो एपी एक ऐसा सीरीज ऑफ नंबर्स है जिसमें कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है ना, समझ में आ रही है बात, करेक्ट। अब इन्होंने बोला है इफ एपी अगर होगा तो राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, आगे के और दो टर्म्स लिखे जाए, यस, उस सीरीज में के आगे के दो नंबर और लिखो। तो आगे का नंबर लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, +6, सो 22 + 6 = 28, इसमें और +6 करेंगे, देखो बढ़ते जा रहा है ना, +6 + 6 + 6, ये कितना होगा 34, सो दीज आर द नेक्स्ट टू टर्म्स, है ना। इसको मैं बोलूंगा A5, तो A5 = 28, ये देखो ये A1 A2 A3 A4, तो A5 = 28, A6 = 34, A6 मतलब टर्म नंबर 6, A6 जैसे X1 X2 X3 होता है वैसे A1 A2 A3 है। यस, यहां पे देखो ये भी एपी है, बोल रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। अब देखो 1 -1 -3 -5 है ना, तो यहां पे मैं ऐड करूंगा -2, सी डिफरेंस इज -2, तो जब आगे जाते हैं तो डिफरेंस को ऐड करते चलो, है ना। तो A5 कितना होगा यहां पे -5 + -2 - 7, A6 कितना होगा -7, यहां आ गया -7, इसमें +-2 और ऐड करो, सो +(-2), सो -9, दिस इज द नेक्स्ट टर्म, अगला टर्म नंबर का, आ रही है बात समझ, यस। तो ये एपी है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसके कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए हर जगह पे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बोला है, इट इज एन एपी, फॉर एन एपी, यहां चेक नहीं करना है तुमको है क्या, बोला है फॉर दिस पर्टिकुलर एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2... राइट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बताओ क्या है, कॉमन डिफरेंस बताओ क्या है, यस, A5 बताओ क्या है और A6 बताओ क्या है, मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म बताओ क्या है, ठीक है। अब ये एपी है मतलब उनका डिफरेंस सेम है, चेक करने की जरूरत नहीं होती। A1 कितना है 3/2, बच्चों A मतलब A1 होता है, A और A1 सेम है, A को ही A1 बोला जाता है। A2 कितना है 1/2, यस। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, A2 - A1, खत्म, मतलब 1/2 - 3/2 = -2/2, हाँ कि नहीं, 3 - 1 - 3 - 2 - 2/2 - 1, सो द कॉमन डिफरेंस इज -1। चेक करना चाहो यहां से भी कर लो, देखो D = A3 - A2, करने की जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूं, A3 है -1/2 - ऑफ, A2 है हाफ, है ना, -1/2 - ऑफ इज -2/2,
which is minus 1. So common difference is minus 1. Correct? What is the first term? Ye to likh diya humne 3 by 2. What is A5? A5, तो ये है A1, A2, A3, A4. मतलब यहाँ पे दो टर्म्स आगे के निकालने बोला है ना? तो A5 क्या रहेगा देखो? A5 is equal to A4 plus D. Add करना होता है, add, है ना? तो A4 क्या है हमारा? Minus 3 by 2. So, minus 3 by 2. Yes? और D कितना है? Plus. माइनस वन. सो माइनस थ्री बाई टू माइनस वन कितना होगा? माइनस फाइव बाई टू. A6 आगे का टर्म निकालना है तो पिछला वाला टर्म ले लो A5 और उसमें D ऐड कर दो. A5 प्लस D, तो A5 कितना आया हमारा? माइनस फाइव बाई टू प्लस उसमें D ऐड कर दो. D है माइनस वन. सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट माइनस सेवन बाई टू. तो A6 दैट इज सिक्स्थ टर्म, छह नंबर का टर्म. सी दिस इज फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म है ना? और ये उसका वैल्यू, वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म. ये है सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और ये उसका वैल्यू. यस, सो सिक्स्थ टर्म उसका वैल्यू है ना? अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछ देते फाइंड द 15th टर्म, 15 नंबर का टर्म निकालो, तो भाई फंस गए. यस और नो, कब तक खेलते बैठोगे? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इतना कौन खेलेगा? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट है ना? तो इसलिए हमारे पास होता है एक फॉर्मूला, ठीक है, which will help you to find any term in a particular AP. ये formula सिर्फ AP के लिए applicable होगा. Yes? Before this, I'll give you one more question. एक question, ठीक है? Whether it is an AP, check whether it is an AP. AP है क्या ये check करो, ठीक है? और अगर होगा, अच्छा चलो पहले चेक करो, नंबर देता हूं 3, 3 + √2, 3 + √2, 3 + √3 √2, ... बताओ चेक करके वेदर ये एपी है क्या. तो देखो ये है फर्स्ट टर्म, इसको मैं बोलूंगा A1, ये है सेकंड टर्म, इसको बोलूंगा A2, ये पूरा है थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे A3, और ये हो गया A4... ठीक है, तो AP चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले A2 - A1 कितना होता है देखो? 3 + √2 - 3, 3 से 3 कटा कितना आया? √2. फिर A3 में से A2 सबट्रैक्ट करो, A3 - A2, A3 कितना है? 3 + √2 - माइनस के बाद जो भी आता है ब्रैकेट में जाता है, ठीक है? सो 3 + √2 - 3 - √2, क्लियर है? 3 से 3 कटा, 2 √2 - √2 = √2. बस बोल दे क्या कि ये है? नहीं, हर एक चेक करना पड़ेगा, हर एक नंबर जो दिया है. सो A4 - A3 कितना होगा? 3 + √2 - 3 - √2, 3 से 3 कटा, 3 √2 - 2 √2 = √2. हाँ कि नहीं? तो therefore we will write the common difference D is √2. D मतलब common difference of the consecutive terms. आई बात समझ? अब अगर तुमको बोला फाइंड द फिफ्थ टर्म एंड द सिक्स्थ टर्म, अगले दो टर्म्स निकालो. यस, तो बच्चों A5 इज इक्वल टू A4, उसमें D ऐड कर दो. हाँ कि नहीं? A4 क्या है? 3 + √2. यस, उसमें D को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + √2. A6
a6 निकालने के लिए हम पिछला टर्म लेंगे और उसमें d को ऐड करेंगे, यस। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 विच इज a5 यहाँ से प्लस रूट 2, सो 3 प्लस 5 रूट 2 एंड सो ऑन सो फोर, क्लियर है। तो ये तो हो गया बेसिक। नेक्स्ट एक दो तीन टर्म्स निकालने बोला तो नेक्स्ट भी निकाल सकता हूं, लेकिन अगर बोला तुमको फाइंड द 20th टर्म, a20 निकालो, a20 का मतलब होता है 20th टर्म, है ना, तो वो निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कब तक खेलोगे यार ऐसे? तो इसके लिए हमारे पास है एक फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ ap, कौन से भी नंबर का टर्म दे दो, वो निकालने के लिए है एक फॉर्मूला, वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, वेयर दिस इज द nth टर्म का वैल्यू, वैल्यू ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म का वैल्यू, है ना। n क्या है? टर्म नंबर, कौन से नंबर का टर्म तुमको निकालना है, एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, d इज नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल ये पिछला वाला ही क्वेश्चन लेंगे हम लोग, 3 रूट 2 वगैरह या ऊपर वाले जो भी, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट 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 डॉट, है ना। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द 20th टर्म, है ना। 20th टर्म का मतलब होता है a20। अब हमारा फॉर्मूला क्या है देखो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। इसका d क्या आया था बच्चों, हमने अभी निकाला रूट 2, तो a20 इज इक्वल टू a इज द फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस n माइनस 1, n कितना है, n इज इक्वल टू 20th टर्म, n इज द टर्म नंबर जो निकालना है, 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू रूट 2, यस, सो 3 प्लस 19 रूट 2 इज द आंसर, क्लियर है, आई बात समझ। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इससे पहला वाला क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने, जैसे 3/2, 1/2, सपोज एक एपी गिवन है, बोला है ये एपी है 3/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 डॉट 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 इज एन एपी, फाइंड द 31st टर्म। देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे डॉट 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 31st टर्म निकालो, अभी क्या करो, राइट। सो a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, कितना है फर्स्ट टर्म 3/2, फाइंड आउट d कितना है, a2 माइनस a1, a2 कितना है हाफ माइनस a1 कितना है 3/2 विच इज -2/2 -1। नाउ आवर फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, nth टर्म निकालना है 31st, सो a31 इज इक्वल टू n के बदले 31 डालो, n इज इक्वल टू 31, a कितना है 3/2 प्लस 31 माइनस 1 इनटू d कितना है -1, करेक्ट। सो दिस विल गिव आउट 3/2 माइनस 31 माइनस 1 इज 30 और इनटू -1, सो -30, ये कितना होगा 3 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नथिंग बट -57/2। सो इसका जो 31st टर्म होगा उसकी वैल्यू है -57/2, समझ में आ रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है ये, दिस इज कॉल्ड एज एन डिक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी,
जब जब d की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो देखो नंबर छोटा छोटा होते जा रहा है ना। चलो थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल्स लेके बता देता हूँ। 2, 4, 6, 8... यस, देखो नंबर्स आर इंक्रीजिंग। यस, दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, पहले तो ये एपी है क्या? बिल्कुल, कॉमन डिफरेंस कितना है देखो, 2। तो इंक्रीजिंग एपी में डी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, करेक्ट। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 10, 8, 6, 4... यस, दिस इज, देखो नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग एपी। यहां पे डी की वैल्यू बताओ, 8 - 10, देखो यहां पे 4 - 2 = 2, 8 - 10 = -2। तो डिक्रीजिंग एपी में डी की वैल्यू नेगेटिव होती है हमेशा, है ना। अब सपोज इसमें बोल दिया फाइंड द 25th टर्म A25, तो A25 क्या होगा, A+25 - 1 × D, A कितना है 2, 2+24 × D की वैल्यू इज 2, यस, सो 2+48 = 50, सो द 25th टर्म इज 50, जो निकालना है वो निकाल सकते। इसमें भी फाइंड द 25th टर्म, है ना, तो A+N - 1 × D इज आवर फॉर्मूला। A कितना है 10, द फर्स्ट टर्म इज A, फर्स्ट टर्म को A या A1 कुछ भी बोल सकते हैं, तो 10 इज द फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 मतलब 25 - 1 × D, यस, D की वैल्यू भी डाल देते हैं -2, सो 10+24 × -2, है ना, सो 10 - 48 - 38, यस, 10 से चालू हुआ, देखो ना माइनस में जाएगा, यहां आएगा 2, 0, -2, -4, ऐसे करते 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 25th टर्म रहेगा -38। आ रही है बात समझ? तो एपी, अच्छा अभी अगर कोई दूसरा सीक्वेंस दे दे ऐसे 1, 4, 8, 12, 14, 20... फाइंड द 24th टर्म, ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला मत चिपका देना क्योंकि ये एपी है ही नहीं। यहां डिफरेंस देखो 3 है, यहां डिफरेंस देखो 4 है, है ना, दिस इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, है ना, तो इसमें नहीं होगा ये। तो सबसे पहले एपी का फॉर्मूला लगाने से पहले चेक करो एपी है क्या, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2 होना चाहिए, 2 नहीं सेम होना चाहिए, तब जाके वो एपी बनेगा। क्लियर है बात? यस, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा देखो, A2 इज इक्वल टू A+2 - 1 × D विच इज A+D। A3 इज इक्वल टू A+N - 1 होता है ना, An इज इक्वल टू A+N - 1 × D, ये फॉर्मूला है, तो n के बदले 2 डाला, 2 डाल दो A+D, 3 - 1 × D, तो A+2D, A4, A+4 - 1 × D, A+3D। पैटर्न देखो, A2 इज इक्वल टू A+D, A3 इज इक्वल टू A+2D, A4 इज A+3D, A5 क्या आएगा A+4D, A10 क्या आएगा A+9D, A12 क्या आएगा A+11D, A100 क्या आएगा A+99D। डायरेक्ट लिख सकते हो, ये सब चलता है। यस, A51 क्या आएगा A+50D। यस, n के बदले 51 डाल दिया, 51 - 1 = 50, तो 50। सो दीज थिंग्स यू कैन डायरेक्टली यूज एंड राइट द वे यू वॉन्ट इट। क्लियर है? यस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एपी, एपी का कॉन्सेप्ट है ये। यस, नाउ
For example, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉलोइंग आर इन एपी, एपी में है, नीचे दी हुई चीजें एपी में है, फिल इन द ब्लैंक्स, टू कॉमा बॉक्स कॉमा 26, बताओ यहां पे क्या आएगा? यस, यहां पे क्या आएगा बताना है इस बॉक्स में. सो देखो, दिस इज ए, ए इज इक्वल टू 2, ये क्या है A3 इज इक्वल टू 26. तो बच्चों A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 2D, हाँ कि नहीं, इज इक्वल टू 26. A की वैल्यू तो पता है 2, तो डाल दो वैल्यू 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26, है ना, 2D इज इक्वल टू 24, D इज इक्वल टू 12, हाँ कि नहीं. और ये है A2, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, 1D, है ना. सो A कितना है 2, D कितना है 12, सो 14, है ना. तो यहां पे क्या आएगा 14, आ रही है बात समझ, करेक्ट. सो डायरेक्टली ये सारी चीजें यूज कर सकते हो. देखो एक और, सी यहां पे है एक बॉक्स, ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स, यहां है 13, यहां पर है फिर से एक बॉक्स और यहां है 3. ये एपी में है, ये जो नंबर्स है वो एपी में है, बोला है फाइंड द मिसिंग प्लेसेस. ठीक है, तो देखो यार, ये रहेगा A1, ये रहेगा A2, ये रहेगा A3, ये रहेगा A4, है ना. A2 क्या है, A2 इज इक्वल टू A+D, A+D इज 13, 13 इज इक्वल टू A+D, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. या ये है A4, A4 इज इक्वल टू 3, बट A4 इज इक्वल टू A+3D, हाँ कि नहीं, A4 विल बी A+3D, अभी तो देखा आपने, ये देखो A4 इज इक्वल टू A+3D, करेक्ट. सो यहां से ये मिल गया, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. यस, 2 माइनस 1 कर दो तो क्या मिल रहा है, A+3D इज इक्वल टू 3, A+D इज इक्वल टू 13. सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कटा, 3D माइनस B 2D इज इक्वल टू 3 माइनस 13 माइनस 10, D कितना आ गया माइनस 5. यस, अब D माइनस 5 मिल गया, तो A कितना आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट साइमल्टेनियस इक्वेशन इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में डालोगे तो A कितना आएगा, A प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 13, A इज इक्वल टू, ये माइनस 5 इधर जाके ऐड हो जाएगा, यस, सो 13 प्लस 5 18, A कितना है 18, तो यहां पे क्या आएगा देखो 18, D इज माइनस 5, तो इसमें प्लस माइनस 5 किया तो ये, इसमें और माइनस 5 करो तो माइनस 5 करोगे तो यहां क्या आएगा, यस 8 माइनस 5 3, या A3 को ऐसे भी निकाल सकते हो, A3 इज इक्वल टू A+2D चलेगा, A कितना है 18 प्लस 2 इनटू D कितना है माइनस 5, सो 18 माइनस 10 इज 8. दिस इज हाउ यू फिल इन द ब्लैंक्स. यस, चलो एक बार प्रैक्टिस करो इसकी. 5 बॉक्स, यहां पर एक बॉक्स और यहां पर 9.5, फिल इन द ब्लैंक्स. ये है A, ये है A2, ये है A3, ये है A4. ठीक है, तो A तो पता है, A4 दिया है, A4 इज इक्वल टू A+3D, ये हमको पता है, यस और नो, A4 इज इक्वल टू A+3D, बट A4 की वैल्यू कितनी दी है 9.5, विच इज 9 2 18 प्लस 1 19 बाय 2 इज इक्वल, A की वैल्यू कितनी है 5,
plus 3d. So 3d is equal to 19 by 2 minus 5. 19 minus 10, 9 by 2. Yes, d is equal to 3 by 2. 3 इधर जाके divide हो जाएगा. Correct? So d मिल गया 3 by 2. अब a2 निकाल लो. a2 is equal to a plus d. मतलब 5 plus 3 by 2. है ना? 10, 13 by a3 is equal to a plus 2d. है ना? a is 5 plus 2 into 3 by 2. 2 से 2 कटा. Yes, 5 plus 3, 8. Yes, and this is 13 by 2. आ रही है बात समझ? है ना? या तो फिर अगर ये नंबर मिल गया और d पता हो गया तो d को ऐड करते जाओ. ऐड d, या तो d ऐड करते जाओ या तो ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर लो. आ रही है बात समझ? है ना? चलो एक दो और देता हूं. माइनस 4 फाइंड द मिसिंग प्लेसेस. तो देखो ये है a, ये है a2, 3, 4, 5, 6. दिस इज a6. a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d. बट a6 की वैल्यू 6 दे दी है. a कितना है? माइनस 4 प्लस 5d. 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 2. यस, ऐड करते जाओ. माइनस 4 प्लस 2, माइनस 2. माइनस 2 प्लस 2, 0. 0 प्लस 2, 2. 2 प्लस 2, 4. 4 प्लस 2, 6. बढ़ गया. समझ में आया? या तो ऐसे करना होगा तो ऐसे कर लो. a2 इज इक्वल टू a प्लस d. a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d. बट ऐसे क्यों करें? जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे. फिलहाल तो यहाँ डायरेक्ट 2 2 2 2 ऐड कर दो फटाफट. यस और नो? चलो वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. एक बॉक्स 38, यहां बॉक्स और यहां माइनस 22 दिया है. फाइंड ऑल द मिसिंग प्लेसेस. ठीक है, अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशंस. a2 इज इक्वल टू a प्लस d. हाँ कि नहीं? ये 2 है ना, सेकंड टर्म. a2 मतलब सेकंड टर्म. 38 इज इक्वल टू a प्लस d, इक्वेशन नंबर 1. a3, a4, a5, a6, ये है सिक्स्थ टर्म. a6 इज इक्वल टू माइनस 22. a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 22. क्लियर है? दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. करो सबट्रैक्ट. a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 22. a प्लस d इज इक्वल टू कितना है? 38. सबट्रैक्ट, ये कटा, ये माइनस, ये भी माइनस. सो दिस इज 4d इज इक्वल टू माइनस 22 माइनस 38, 0, 1, 3 प्लस 3, 60, माइनस 60. सो d इज इक्वल टू माइनस 15. हाँ कि नहीं? करेक्ट. तो अब माइनस 15 कर दो यहां से. ऐड माइनस 15 ऐड करोगे मतलब माइनस 15 करना है, तो ये हो गया 23. यहां से और माइनस 15 करो. यस, यहां से और माइनस 15 करो, और माइनस 15. लेकिन जब उल्टा जाएंगे, यस यस और नो? अरे माइनस 15 नहीं, एक्चुअली हम 15 ऐड कर रहे हैं. यस, एडिंग माइनस 15, इसलिए वो छोटा छोटा होते जा रहे हैं. सी, डी इज नेगेटिव. करेक्ट, तो वी आर एडिंग माइनस 15. तो इधर जाएंगे तो वी विल सब्ट्रैक्ट माइनस 15. मतलब 38 माइनस माइनस 15, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 38 प्लस 15. है ना? 3, 1, 3, 4, 5, ये आएगा 53. यस, या तो फिर ये वैल्यू यहां पे डाल के a निकाल दो. ठीक है, a निकलेगा एंड यू जस्ट कीप ऑन एडिंग माइनस 15 टू इट. या फिर यू हैव अनदर ऑप्शन, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d. a पता, d पता तो निकल जाएगा. a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d. ये पता निकल जाएगा, या d ऐड करते जाओ. एंड दैट इज हाउ एपी क्वेश्चंस आर सॉल्व. कुछ भी नहीं करना होता है, चीजों को ऐड करते जाना है या सब्ट्रैक्ट करते जाना है, दैट्स इट. यस, सो लेट दिस एंटायर टॉपिक सिंक इन. है ना?
main formula, an is equal to a plus n minus 1 into d, the gist of today. This is the nth term ka value. This is the first term ka value. This is the term number. Kaun se number ka term hai? And this is the common difference. Yes? And I can write a3 as a plus 2d, a15 as a plus 14d, a32 as a plus 31d. Using this formula itself, बहुत काम में आएगी ये चीज आगे चलते हैं, ठीक है? So this is the basic background of AP, ठीक है? कोई homework नहीं करना है आज, कुछ भी नहीं. Let me complete the first one more session tomorrow, and then homework दूंगा. बहुत सारे questions करने के लिए. फिलहाल सिर्फ ये समझो, इसके notes बनाओ. AP कुछ नहीं है, AP arithmetic progression, एक sequence होता है जिसमें पैटर्न फिक्स है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है, दैट्स इट, फाइन? सो ये एकदम बेसिक था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का. नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स प्रॉपरली और चैप्टर चालू होगा, फाइन? सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय.